रामपुर बगलान दीनापुर पंचायत में भूमि पूजन, जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा दीनापुर ग्राम पंचायत का भूमि पूजन किया। माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष राम खिलावन कोल के द्वारा हजारों की तादाद में इस ग्राम पंचायत से आए हुए जन समुदाय के बीच में भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। अगले एक हफ्ते बाद इस ग्राम पंचायत के बिल्डिंग का निर्माण चालू होगा, जिसमें यहाँ के वर्तमान सरपंच शशि दीपक सिंह ने चुनाव के समय जो वादा जनता के सामने किया वह आज साकार हुआ। दीपक सिंह ने कहा, अभी जो शुरुआती दौर है और अनेकों जो कार्य जनता के हित में है उनको पूरा हर हालत में करूंगा। अगर मैं 2.5 वर्षों में जितना मैं चुनाव के पहले कार्य करने के लिए वादा किया अगर पूर्ण नहीं किया तो 2.5 वर्षों के बाद मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। मालूम हो कि वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव जोरों पर, ऐसा लग रहा है कि करीब करीब आम आदमी पार्टी से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा। अपना चुनावी प्रचार बिगुल क्षेत्र में जाकर फूंक दिया गया। आखिर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी रामपुर बगलान विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष में है, क्या आप आएगी। वैसे भी सत्ताधारी के लोग उनके चुनावी बिगुल फूंकने पर काफी प्रेशर पर दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय तथा वर्तमान सरपंच शशि दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा। सुधाकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, उद्घोष समय। ग्राम पंचायत का है, सरपंच साहब ग्राम पंचायत के लिए ही कार्य करेंगे अपने गांव के विकास के लिए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि युवा सरपंच है और अधिक से अधिक गांव के गांव का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जितना हम लोगों से सहयोग हो सकेगा दीनापुर गांव के लिए हम करने को हमेशा तैयार रहेंगे। अभी सतना में लाडली बहना कार्यक्रम है, समय अभाव है, इसलिए हम अब बहुत अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। माननीय एक प्रश्न और है, ये आप यहाँ पे शिला विन्यास आज जमीन का हुआ है, इसका समय निर्धारित होगा कब तक वे बनकर तैयार हो जाए। अब ये तो सरपंच साहब के ऊपर निर्भर है जी, आप लोगों का योगदान। अब योगदान बनवाने तो नहीं आएंगे, 5 कुदाली मार दिए हैं, अब आगे से कार्य शुरू कर देंगे सरपंच साहब जी जी, और समय पर बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा माननीय आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो ये पंचायत राज उपस्थित हुए हैं, जनता के लिए कुछ और कुछ कहना चाहते हैं। अब जनता के लिए अगला चुनाव भी आने वाला है, अगला चुनाव आने वाला है, तो हम यही कहेंगे कि जो सरकार आपका भला करे उस सरकार को आप समर्थन दें, मैं यही कहना चाहता हूँ। मतलब कोई भी पार्टी हो उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी पार्टी आए जो भला कहे जनता को उसी को वोट देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ पधारे हैं। निर्वाचित हमारे ग्राम पंचायत दीनापुर के सरपंच साहब, गांव के सब विशिष्ट आदमी व्यक्ति उपस्थित, हमारे रामपुर से आए हुए संपादक जी श्री त्रिपाठी जी, भाई रामफल जी तथा अन्य सभी साथियों, वास्तव में आजादी के पहले 75 वर्ष में ये जो है हमारे गांव का जितना विकास हुआ आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया और ना करने को सक्षम ही है, और ना भविष्य को भी मैं बताता हूँ कि कोई ऐसा सरपंच आएगा जो हमारे गांव का विकास कर सके। असंभव काम को सब संभव करवा दिए, जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड बनवा दिए, शंकर जी के यहाँ बढ़िया टाइल्स लगवा दिए, देवी जी के यहाँ लगवा दिए, नाली नहीं बनी थी नाली के लिए पानी के लिए सब सुविधा दे दिए। आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग अपने गांव के निर्वाचित सरपंच साहब का तहे दिल से सहयोग कर अपने गांव का विकास करें, और हर परिवार हमारा गांव सुखी होगा, पानी की व्यवस्था होगी, सड़क की व्यवस्था होगी, ग्राम पंचायत भवन का ये जर्जर था इसका भी निर्माण करवाने के भूमि पूजन सम्मानी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी द्वारा किया गया। आगे चार तारीख को हमारे अध्यक्ष महोदय जी द्वारा सरपंच साहब द्वारा घोषणा की गई है कि सामुदायिक भवन का इसी स्थान पर लोकार्पण होगा। इसलिए करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है, ये सनातन से चला रहा है, तो पहले मैं आप लोगों से कहूँगा बोलिए भारत माता की, भारत माता की, शंकर भोले की, द
दुरापुर के नगरवासियों की। पहले मैं दुरापुर की पावन धरती को सलाम करता हूं, क्योंकि इस दुरापुर पंचायत में हमें छोटे बड़े मेरे भाई मुझे इस लायक समझे कि इस दुरापुर पंचायत का कमाल विश्वास में करके हमें दिए कि हमारे लिए कुछ ये युवा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, फिर से मैं कह दे रहा हूं, मुझे आज भी सुध है कि 15 अगस्त को पहली बार जब मैं 15 अगस्त को दुरापुर पंचायत में झंडा फहराने आया था तो आप लोगों को एक वचन दिया था कि मैं सबको दिया 5 साल, मुझे दे दे 2.5 साल, सबको दिया 5 साल, मुझे दे दे 2.5 साल। अगर 2.5 साल के अंदर मैं दुरापुर पंचायत का सारा काम ना किया तो मैं फिर आज पूरे जनमानस के सामने वचन देता हूं, अब मैं होने वाली उस मां की कसम खाता हूं कि मैं 2.5 साल बाद इस पंचायत से इस्तीफा दे दूंगा। कि जो मैंने काम कहा था कि शंकर जी की रोड, हरजन बस्ती की रोड और स्कूल की रोड और दिनापुर पंचायत में पंचायत भवन, और अगर मैं 2.5 साल के अंदर पूरा न किया तो मैं उस पैदा करने वाली की कसम खाता हूँ कि मैं 2.5 साल बाद इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा वादा रहेगा आप लोगों से, मैं काम करूंगा और फिर यही कहूंगा, पक्का बात डाल लीजिए। मैं अगली बार कहा था, फिर कह दे रहा हूँ।